भादुई के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था और हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। अब दूध दही के घड़े सिर पर रखे बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पर पहुंचने पर उसे असह्य पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी तो गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। अब उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप में खेत में एक किसान हल जोत रहा था तो अचानक उसने उसके बेल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से उसका बालक मर गया। अब यह घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम करते हुए उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। अब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गाँव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटने में सब बातें गांव को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां दूध दही बेच दिया। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षात उस पर नियम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पवित्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। तो ये थी हल षष्ठी की व्रत कथा। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी है तो इसका मान रखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। हरे कृष्ण।